मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मतलब एक वक्त आया था ऐसे, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं भी अगर जा पाती एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे, मैं वहाँ पे शायद अच्छे से पढ़ पाती, क्योंकि टीचर्स वगैरह से अच्छे से डाउट क्लियर कर पाती, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पाती। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मैं सोचती थी शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा बार बार मैं कभी कभी ऐसा होता था, मतलब मैं डीमोटिवेट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचती थी कि शायद नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन फिर ये भी माइंड में आता था कि नहीं, मुझे करके दिखाना है, हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है और मुझे मतलब डॉक्टर बनना है, पहले से मेरा सपना है, मेरा शौक था डॉक्टर बनने का। तो लेकिन बीच बीच में क्या होता था, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन मतलब आती थी मेरे अंदर। दरी गांव में एक स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वहाँ में मैंने 5th तक पढ़ा और उसके बाद फिर मैं गई गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, वहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ा, 6th से लेकर 10th तक। उसके बाद फिर मैं गई फाजिल कश्मीरी मेमोरियल हायर सेकेंडरी चंदीलोरा टंगमग में। मैंने एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनी थी कि उन्होंने विदाउट कोचिंग जो है नीट क्वालिफाई किया था, तो मुझे भी था कि मैं भी अगर विदाउट कोचिंग ही कर पाती घर में ही, तो फिर मैं घर ही में ही रही और जितना मेरा पेंडिंग सिलेबस था वो मैंने घर से ही किया, यूट्यूब से ही किया, और फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। मतलब इट वाज टोटली मतलब अनएक्सपेक्टेड कि मेरी सिलेक्शन इसी साल हो जाएगी, बट अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ मैं, जिन्होंने मतलब इसके लिए चुना मुझे और मेरी इसी साल सिलेक्शन हो गई MBBS में। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, और मैं सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, सबका, और मैं अलग सर का भी मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मतलब वो एक मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी थी अलग सर भी मेरे लिए। मैं अलग सर के वीडियोस देखती थी, मोटिवेशनल वीडियोस, उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलती थी, और उनकी एक सीरीज़ थी उम्मीद सीरीज़, उससे मैंने पढ़ा, फिर वन शॉट वाली थी वो, उससे मैंने अपना सिलेबस जो है कम्प्लीट किया। बहुत मुश्किल थे, क्यों मजदूरी यहाँ पे बनती नहीं है आसान आसान में, तो कभी कभी जब बनेगी तो 300-400 दिन में 400-500 हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम इसको पढ़ा नहीं पाए। ननिहाल वालों ने इसको बहुत हेल्प किया, बहुत जो भी पैसा था उन्होंने लगाया, सोचते तो मैं तो बहुत थी, लेकिन अभी गुर्बत की वजह से कभी कभी ख्याल आता था कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे इसको। बहुत ही खुश हुए लोग, हमसाए लोग, बहुत गाँव वाले पूरे खुश हुए, हम भी खुश हुए। बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत गांव वालों को आराम पहुंचाएगी, और जो भी बूढ़े छोटे बच्चे होंगे उनको फ्री में इसका देखना होगा। इससे पहले हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं बना, ये पहली लड़की हमारी बेटी जो ये पहले नंबर में आई, तो हमें खुशी की बात है कि गरीब घर की है और गरीब बाप है, इसका मजदूर पेशा है, तो उसने कामयाबी हासिल लिया, हमें सबको खुशी है, पूरे गांव को बल्कि पूरी तहसील को। मुझे एहसास हुआ कि हमारे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो मतलब यहां पे भी एक डॉक्टर होना चाहिए हमारे गांव में भी, तो फिर मुझे और ही मतलब एक डॉक्टर के लिए एक अलग ही क्रेज़ था कि मैं कब डॉक्टर बन जाऊंगी। मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती थी कि मतलब जितना मैंने स्ट्रगल किया है, कोई मतलब बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर उसको मतलब इतना शौक होगा पढ़ने का, वो भी कुछ करना चाहता है, ज़रूरी नहीं है नीट में और कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि IAS है, उसमें भी मतलब इतना स्ट्रगल उसको ना करना पड़े, कल को मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूँ।